हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से राइट अ नोट ऑन जोसेफ मेजिनी क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको ये जोसेफ़ मेजिनी दिए हुए हैं इनके ऊपर आपको एक नोट लिखना है तो वह ये स्टार्ट करते हैं अपने नोट को रीड करते हैं बेसिकली जोसेफ़ मेजनी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पर्सन थे जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में बहुत मेजर रोल प्ले किया था ठीक है जोसेफ़ मेजनी वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जिनोआ इन 1807 ओफ या एटीन हंड्रेड सेवन में जिनोआ नाम की जगह में जो कि इटली में पड़ती है यहाँ पर जोसेफ मेजनी का जन्म होता है ही वॉज अ मैम्बर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी कार्बोनरी की एक सीक्रेट सोसाइटी के ये मेंबर भी होते हैं और इसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनने के बाद ही ये बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं एट द एज ऑफ ट्वेंटी फोर ही वॉज सेंट एंड एक्साइल इनको फिर ट्वेंटी फोर ईयर्स की एज में एक्साइल पर ही भेज देते हैं एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला देना है। ये जिस कंट्री में रहते थे जैसे इटली में रहते थे तो उनको इटली से बाहर निकाल दिया गया था कोई बड़ा क्राइम किया होगा तभी इनको एग्जाइल दिया था फॉर अटैम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिंगूरिया तो इन्होंने इटली में लिंगूरिया नाम की जगह पर एक रेवोल्यूशन को अंजाम दिया था रेवोल्यूशन क्रिएट किया था अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी तो रेवोल्यूशन को यही कारण है कि ट्वेंटी फोर ईयर्स की एज में इनको एग्जाइल इन दे दिया जाता है इन थर्टी एटीन थर्टी वन में देखो एटीन ओ सेवन में इनका बॉर्न हुआ था और एटीन थर्टी वन में इनको देश निकाला दे दिया जाता है ही फाउंडेड टू सोसाइटीज नेम ली यंग इटली इन मार्सेलेस एंड यंग यूरोप इन बर्न तो इन्होंने बर्न नाम की जगह में एक यंग यूरोप नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी और मार्सेलेस नाम की जगह पर यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी तो जो इनकी यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी बहुत फेमस थी और इस सोसाइटी ने यंग इटली सोसाइटी ने इटालियन यूनिफिकेशन में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक